बेस्ट बजट आउटफिट फॉर समर की सीरीज, ओके, बेस्ट समर स्किन केयर सीरीज एंड बेस्ट समर फ्रेग्रेंस की सीरीज, क्या बात है ये। ओ हाय, हाँ वीडियो आ गई है मेरे प्यारे डूड। समर का सीजन आने वाला है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉप ऑल योर समर आउटफिट्स। मैं ना आपको आज के वीडियो में आपका काम सॉर्ट करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे आर्टिकल जो अभी सेल पे मिलने वाले हैं, आपको अच्छे प्राइस से पड़ जाएंगे, ये आपके समर फैशन के लिए बहुत अच्छा है। एंड यस, कॉलेज स्टूडेंट्स, एग्जाम खत्म होने वाला है, अभी पार्टी करने का टाइम आएगा आपके, आपके लिए ये सारे आर्टिकल्स बहुत ही सही बैठने वाले हैं। मैं आपको बैगी पैड्स बताने वाला हूँ, साथ में फुल स्लीव एंड हाफ स्लीव के आपको टी-शर्ट्स बताऊंगा, बिकॉज यार समर के टाइम पर जितने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हो कर लेना। वैसे तो मैं स्किन के सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, बट यस भाई, जितना हम आपको स्टाइलिश दिखा सकते हैं वाइल प्रोटेक्टिंग योर स्किन, मैं आपको वो सारे आर्टिकल्स ही बताऊंगा। एंड थोड़े से ना आपको पैटर्न प्रिंट्स बताने वाला हूँ, बिकॉज इस बार समर में ना जितने कलर्स फ्लॉन्ट कर सकते हो उतना करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और सुनो, यहाँ पे आप ये पूरी ना वीडियो सीरीज होने वाली, तो ध्यान से देखना, बिकॉज हर वीडियो में कहीं ना कहीं एक गिव अवे भी छुपा हुआ। तो चलो भाई, लेट्स गेट रेडी फॉर द समर। देखो, सबसे पहली चीज जिसको हमें इन्वेस्ट करना है ना, वो है हमारा बॉटम वेयर में। अब 2024 में, यस, मैंने सुना है, मुझे पढ़ा भी है भाई, कि जो हमारे ट्रेंड है वो वापस से चेंज होने वाले हैं। जो पुराने ट्रेंड थे स्लिम फिट वाले, वो सब वापस आएंगे। बट लास्ट ईयर का एक ट्रेंड है, जो इमीडिएट ट्रेंड है, जो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, वो होगा बैगी पैंट्स का। अब देखो, बैगी पैंट्स में ना मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि यू ट्राई ऑफ ड्यूटी। ब्रो देखो, मैंने ऑफ ड्यूटी के जो डेनिम्स है, बॉटम वेयर है ना, उसके ऊपर पहले भी वीडियो बना के रखी हुई है। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ना, इसका मटेरियल बहुत अच्छा होता है। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा था, जिसमें मैंने पूरा एक हॉल वीडियो बनाया हुआ था कि भाई ऑफ ड्यूटी के डेनिम्स कैसे हैं, बैगी पैंट्स बताए थे, नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, वरना रुक जाओ, एंड स्क्रीन है ना, वहाँ पे जाके सब चेक कर लेना, वर्थ इट है यार। एज अ गाय, इफ यू रियली वॉन्ट टू बाय अ गुड बैगी पैंट नाउ, एज ऑफ नाउ मेरे टेस्ट में ना ये ऑफ ड्यूटी का ब्रांड डेफिनेटली आता है, डू चेक इट आउट। देखो कलर सा काफी अच्छा है, मैंने इसको ब्लू में लिया हुआ है, ब्लू के साथ हल्का व्हाइट का इसमें आप शेड देख सकते हो। वेरी नाइस, वेरी क्लासी, वेरी समर फ्रेंडली आर्टिकल है। एंड फिट के हिसाब से अगर बात करूंगा ना, फिटिंग में कोई इशू नहीं है, फिट वॉज परफेक्ट, इसके फिट को लेकर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, इस टाइप के बैगी पैंट्स ना आपको फ्रीक्वेंसी में भी मिल जाते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ इट ना, यहाँ देखो कंपनी ने इसकी MRP दी गई है 2000 रुपए की, ठीक है, बट ऑनेस्टली ये ना सेल पे रहता है, तो सेल पे आपको ले देके अराउंड 50% ऑफ में मिल जाएगा। नाउ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स, मैं एक और रिकमेंडेशन दूंगा कि भाई ये जो फ्रीक्वेंस का ब्रांड है ना, उसमें भी बैगी पैंट्स अच्छे मिलते हैं, ऑफ ड्यूटी के थोड़े ज्यादा बेटर है, लड़कों की तरफ थोड़ा ज्यादा प्रेफर्ड चॉइस रहेगा। क्योंकि फ्रीक्वेंस में कैसा है कि फ्रीक्वेंस में मैंने देखा है, रिसेंट वाले जितने भी कपड़े आए ना, वो लड़कियों के फेवर में ज्यादा नए वाले बन के आए, लड़कों के लिए भी ऑप्शन है, पर थोड़ा सा लिमिटेड है। तो आप लोग के लिए मैं काम ये करूंगा ना कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मैं 3-4 ऑप्शन डाल दूंगा 2-3 ब्रांड्स के, सो दैट आपको अच्छे बैगी पैंट्स मिल जाए। ऑनेस्टली बात बताऊं, इसका कलर इतना प्यारा है ना यार, कि ये इजिली मेरे सब कपड़ों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है। मतलब अगर मैंने ये जो शर्ट पहनी हुई है ना, हाफ स्लीव शर्ट, इसके साथ भी इजिली वेयर हो जाएगा ये, एंड बहुत ही स्टाइलिश दिखेगा। अब नेक्स्ट मेरा रिकमेंडेशन ये रहने वाला है कि इस टाइप के जो बॉटम वेयर है ना, उसके साथ आप मैच जरूर करो इस टाइप का फुल स्लीव वाला टी शर्ट। इस फुल स्लीव टी शर्ट को मैंने स्पेशली मंगाया हाईलैंडर से, बिकॉज हाईलैंडर के फुल स्लीव टी शर्ट ना समर के लिए काफी अच्छे रहते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी इसको ट्राई किया था यार, पसीना वसीना कुछ भी निकलता है ना, इस टाइप का जो मटेरियल है ना खराब नहीं होता। एंड ऑल्सो द बेस्ट थिंग इज दैट साइज ट्रू टू फिट, मैंने साइज एल में मंगाया था यार, मेरी फाइट के हिसाब से 5'9" के हिसाब से जस्ट 42 है मेरा, मुझे फिटिंग एकदम परफेक्ट आई है इसकी। ऑल्सो यार देखो, अगर तुम कॉलेज वाले और अभी गर्मियों का सीजन में अपने कॉलेज वाले जा रहे हो ना यार, तो देखो फुल स्लीव पहन के जाना आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। एंड इसमें भी 2-3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, तो आप चाहो तो ये कलर भी पहन सकते हो, वरना आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, आप चाहो तो हाईलैंडर का इस तरीके का, ये जो हल्का सा ब्राउनिश टोन का जो फुल स्लीव टी शर्ट है ना, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसकी पैटर्न प्रिंट बड़ी कमाल की है यार, एंड ऑनेस्टली इस पर जो ये पूरा फ्लोरल प्रिंट बनाया हुआ है ना, वेरी मच समर फ्रेंडली है। लाइक ऑनेस्टली अगर आप इस टाइप के आर्टिकल्स पहन के कॉलेज भी जा रहे हो या घूमने फिरने के लिए भी जा रहे हो ना, ओवरऑल यू विल लुक वेरी गुड। एंड द रीजन आई एम सजेस्टिंग यू फुल स्लीव, बिकॉज देर आर मेनी बॉयज, कि मैं बार बार चीख चीख के मर जाऊंगा, मैं बोलूंगा भी कि स्किन केयर कर लो, अपने पूरे बॉडी को ढंग से आप प्रोटेक्ट करो, सनस्क्रीन लगाओ, ये करो वो करो, कोई करता नहीं है। तो भाई फुल स्लीव पहन के जाओगे, तुम्हारा ही फायदा है। ये दोनों के दोनों फुल स्लीव टी शर्ट ना मैंने हाईलैंडर से मंगाया है, ट्रू टू साइज है, ट्रू टू फिट है, एंड ओवरऑल क्वालिटी वाइज तो कोई प्रॉब्लम। एंड एक बात अभी बता देता हूँ कि यार इसके अंदर ना आपको 1-2 कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो अगर आप सोचने वाले या कमेंट करने वाले कलर देखे नहीं तो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। एंड ये सब के सब आपके एक बैगी पैंट के उसके डेनिम के साथ परफेक्टली मैच हो जाएंगे। और समर के हिसाब से मैंने देखो आपको 2 ऑप्शन बता दिए फुल स्लीव में, बट अभी हाफ स्लीव में ना डेफिनेटली गोइंग टू सजेस्ट दैट यू ट्राई दिस काइंड ऑफ कलर पैटर्न्स एंड प्रिंट। ये हाफ स्लीव मैंने मंगाया फ्रॉम द हाउस ऑफ द बेयर हाउस। बेयर हाउस से ना मैंने लास्ट भी एक वीडियो बनाई थी जो फ्लैनल्स के ऊपर थी, क्रेजी फ्लैनल्स थे यार, लेजेंड क्रेजी फ्लैनल्स थे। एंड उसी ब्रांड से मैंने इनका ये हाफ स्लीव टी शर्ट मंगाया, बहुत अच्छा मटेरियल है, मटेरियल वाइज कोई इशू नहीं है, हल्का कॉटन मिक्स पैंडिक्स जैसा मुझे लग रहा है, हल्का स्ट्रेचेबल मटेरियल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर समबडी जिसकी थोड़ी अच्छी खासी बॉडी है, ठीक है, जिम विम जा रहे हो, समर रेडी हो, आप पे ये बहुत अच्छा लगेगा।
यार कलर लुक के हिसाब से कहूँगा फर्स्ट इंस्टेंट में बहुत अच्छा दिख रहा था यार, ब्लू कलर में साथ में हल्का बहुत इसमें व्हाइट का वॉश दिया गया है एंड चेस्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेहराउस लिखा हुआ। ओवरऑल यार लुक्स वेरी सेक्सी, लाइक लेजिट समर के टाइम पे अगर इस टाइप के आर्टिकल्स पहन के जा रहे हो ना बहुत अच्छे लगोगे। बट खाली एक चीज़ है, बिकॉज ये आपकी बॉडी पे प्रॉपरली फिट होगा, फिट इज ट्रू टू साइज एंड बॉडी वॉडी है आपकी काफ़ी अच्छी, देन एक काम मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि इसको ना आप रेगुलर फिट डेनिम्स के साथ अगर पहन के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देर आर सर्टन गाइज जिनकी बॉडी अगर है ना तो इसको कार्गो के साथ ही पुल ऑफ कर लोगे, आप उसको बैगी पैंट के साथ ही पुल ऑफ कर लोगे, बट देखो अपनी अपनी बॉडी समझना चाहिए। भाई देखो मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह झूठ नहीं बोलूंगा कि हर कपड़ा हर इंसान पहन सकता है, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिड निकला हुआ है तो इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं आपके ट्रिड को हाईलाइट करेंगे एंड देन ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज यू विल फील कि आपकी पेट बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसीलिए अपने चैनल पर मल्टीपल वीडियोज डालता हूँ सो दैट हर बॉडी टाइप को हम उसमें कवर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपको टी शर्ट बताऊंगा ना ये भी आपके समर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ये है इस तरीके का वेवी वाला पैटर्न। और दिस पर्टिकुलर टी शर्ट इज फ्रॉम द ब्रांड कैच एंड इसमें ना मैंने कॉलर वाली हाफ स्लीव टी शर्ट मंगाई हुई है। ये जो पूरा प्रिंट आप देख रहे हो ना यहाँ पे हल्का वेवी टाइप का है और रिमेंबर दिस समर के टाइम पे ना इस टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं ना डे इवेंट पे काफी अच्छे से निखर के आते हैं। अगर आप मान लो कि आप जा रहे हो कहीं पे अपने कॉलेज ही मान लो आपका जा रहे हो ठीक है एंड इस टाइप का आपने आर्टिकल पहना हुआ है ठीक है, इस ग्रीन एंड हल्का ब्लैक का टोन इसमें मिला हुआ है, वेवी है, आपने बॉटम में काफी अच्छा ब्लू कलर का डेनिम पहना है मिक्स एंड मैचड विद अ नाइस व्हाइट स्नीकर, ब्रो बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल्सो इफ यू आर समबडी विद अ ओब्लॉन्ग फेस शेप एंड आपने उस तरह का मुलेट हेयर स्टाइल करके गए हो भाई तो फिर तो बहुत ही अच्छे दिखोगे। अगर तो आप चाहते हो कि समर में हेयर स्टाइल्स को लेकर मैं कोई वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट कर देना एंड ऑल्सो यूट्यूब शॉर्ट्स जाकर चेक कर लेना। यार इस टी शर्ट को लेकर कॉम्प्लीमेंट मैं जरूर दूंगा, इसका मटीरियल बहुत प्रीमियम है, लाइक लेजिट काफी प्रीमियम मटीरियल है। व्हेन यू टच द आर्टिकल ना यार एक पूरी प्रीमियम वाइब आएगी यार कि काफी बढ़िया मटीरियल आपने पहना हुआ है इसके ऊपर, लाइक दिस इज वेरी मच समर फ्रेंडली। एंड ऑल्सो आपके शहर में अगर बहुत गर्मी है कुछ है ना इस टाइप के आर्टिकल्स चाहिए यार, ऐसे ब्रीदेबल आर्टिकल्स डेफिनेटली चाहिए। देखो यार प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो कंपनी ने इसकी प्राइसिंग दी है 1199 की, पर इस पर भी सेल लगा रहता है, ये भी 30-40% डिस्काउंट में मिल जाती है, सबके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें ना कलर ऑप्शन आपको एक और मिलता है बस, बट ऑनेस्टली अगर मसौले से इससे कंपेयर करूंगा तो आई विल से कि दिस वन इज मच बेटर। अब जो नेक्स्ट दो आर्टिकल आपको बताने वाला हूं ना यार ये आपके चिल वाइब के हिसाब से होने वाला है, इसे पहन के कॉलेज नहीं जाना, ये बेसिकली अपने दोस्तों यार के साथ चिल कर रहे हैं, मान लो अपने घर पे बैठे हो, कोई गेम नाइट चल रहा है, घर पे ही आपको कुछ अच्छा कपड़ा पहन के बैठना है, फटे हुए बनियान पहन पहन के थक गए हो तुम ठीक है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ट्राई दिस कैच के प्रिंटेड आर्टिकल। यार देखो ये हाफ स्लीव टी शर्ट ना राउंड नेक में बड़े क्लासी बड़े कूल लगते हैं, मतलब कहते हैं पूरा चिल वाली वाइब मिल रही है, आप देख सकते हो इसके ऊपर पैचेस बने हुए हैं, टाइगर है, चैंपियन है, लाइक कहते हैं ना पूरा एक बेसबॉल के पूरे लोगो वाले फॉर्मेट में इसको बनाया गया है एंड लुक्स वेरी नाइस। बता देता हूँ अभी इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, कॉटन मटेरियल का है ना, इसी टाइप के मटेरियल पहन के अगर आप घर पे भी हो या दोस्तों यार घूम रहे हो ना, यू वांट समथिंग टू वेयर, यू वांट समथिंग कि समर में कुछ कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से परफेक्ट है। ये जो प्रिंट एंड पैटर्न हम देख रहे हो ना यार ये पूरे टी शर्ट में है बैक टू बैक एंड काफी अच्छा दिख रहा है ओवरऑल। एंड ऑनेस्टली अगर आपको चिल वाइब के हिसाब से चाहिए ना ये वाले टाइप की टी शर्ट डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा। इसमें तीन कलर थे जिसमें से ये काफी अच्छा है एंड द अदर ऑप्शन आई विल सजेस्ट इज दिस वन जो आपको फ्लोरल कटोन में मिल रहा है, इसको पहन के अगर बीच पे जा रहे हो काफी से लड़के होंगे जो समर में अभी गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपको उस टाइप के हिसाब से कपड़े चाहिए दिस इज वेरी गुड, दीज टू आर वेरी गुड अगर आपको बीच वेयर के हिसाब से कुछ बना के जाना है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं बीच वेयर को लेकर डेडिकेटेड वीडियो बना दूं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के ले आऊंगा। बट येस दीज टू आर्टिकल्स आर डेफिनेटली वर्थ इट अगर आपने समर में ना चिल वाइब के हिसाब से देख रहे हो। अब प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करूंगा ना तो इसकी जो टैग MRP है वो 1000 rupees के अराउंड है, बट ऑनेस्टली ये भी सेल पे चलता रहता है यार, अगर कोई कूपन कोड या कुछ मुझे मिल जाएगा ना मुझे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से मंगा लो, आई थिंक ले देके अराउंड 30% ऑफ तो मिल ही जाना चाहिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली द थिंग्स जो आपको डेफिनेटली नहीं पहनना चाहिए ड्यूरिंग समर्स आर कि भाई प्लीज स्टॉप वेयरिंग फ्लैनल्स इन समर, फ्लैनल्स को समर में पहनना बंद कर दो। अगर आपको थोड़ा बहुत चेक बैग पहन के जाने का मन भी है इस कॉलेज में तो आप डायरेक्टली उसको पहन सकते हो, आप लेयर इन तो मत ही करना, अवॉइड करना, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे लड़के हैं जो ये मिस्टेक कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको ग्राफिक पहन के भी जाना है ना तो स्टार्ट वेयरिंग सम सटल ग्राफिक या ऐसे ग्राफिक जो थोड़े क्वालिटी वाले वर्क लगे। एंड डूड यार इस टाइप के आर्टिकल्स ना आपको बजट में भी मिल जाते हैं तो इट्स नॉट नीडेड कि आपको ना एकदम से कोई शैबी टाइप के आर्टिकल्स या शैबी प्रिंट्स पहन के जाने की जरूरत है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स भी एंड सिंपल प्रिंट्स भी आपको ना बजट में मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो अ मिस्टेक टू अवॉइड इज दैट कि भाई इस बार ना समर में प्लीज़ सैंडल्स मत पहन, वो जो डबल स्ट्रैप वाले स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वेलक्रो वाले प्लीज़ उसको अवॉइड करना। मैं रिसेंटली सर्वे करने के लिए गया हुआ था कॉलेजेस में चेक करने के लिए, मैं देख रहा हूँ काफ़ी ऐसे यूथ हैं यार जो अभी भी वो सैंडल्स पहन रहे हैं। अगर आपको स्लिप इन स्लिप आउट उस टाइप का पसंद है, फ्लिप फ्लॉप पसंद है ना तो उसको पहनो, बट यार इट्स हाई टाइम कॉलेज में आ चुके हो शूज़ पहनो। आई अंडरस्टैंड शूज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है इफ़ यू आर नॉट यूज टू इट, बट आप बड़े हो गए हो
प्लीज शूज पहनना शुरू करो, ये सैंडल वैंडल बंद कर दो फिलहाल के, एटलीस्ट कॉलेज तो मत पहन के जाओ, अगर दोस्तों यारों के साथ घूमने फिरने के साथ चाहिए तो उसके लिए तो भी मैं बोलता हूँ चलो ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं गिव अवे को लेके। तो भाई इस पूरे सीरीज का सबसे पहला गिव अवे क्वेश्चन ये रहा, मुझे ये बताना कि अमेज़न का कुर्ता हॉल वाला जो मैंने वीडियो किया था उसमें नेहरू जैकेट गोल्डन कुर्ता वाला किस ब्रांड का था, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। विनर का जो अनाउंसमेंट होगा वो होगा हमारे अगले एपिसोड के ऊपर, तो आकर डेफिनेटली चेकआउट करना कि आपको पता चले कि आप जीते हो कि नहीं। और ऑल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के यार के साथ शेयर कीजिए, कनेक्टेड रहिए, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और भी वीडियो बना के आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और कौन सी वीडियो मेरे चैनल पर देखने, मैं डेफिनेटली बना के लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर भी सेफ सुरक्षित अपने घर वालों का ध्यान देना, कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसे ही और कमाल वीडियोस के साथ, प्यारे प्यारे जूट करो, बाय।